चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमने देखा एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम बबली था, अभी भी हमको नाम उसका याद है। तो हम जब छोटे बच्चे के जहन में कोई सी चीज़ को डाल देते हैं तो वो उसको हमेशा हमेशा नहीं आती उसमें। उसको हमने कहा एक छोटे से गुड़िए को लेके, जैसे ये गुड़िया है, एक बबली बबली तुम्हारे से ये गुड़िया बात कर रही है ना, और वो कह रही कि आज बबली बहुत गंदी आई है, आज बबली बहुत गंदी आई है, कल भी तुम गंदी आओगे क्या। इस तरह से गुड़िया उनसे बात की। जब हम लोग दूसरे रोज गए फॉलो अप करने के लिए तो देखा कि वो लड़की और सारे बच्चों से सबसे ज्यादा साफ सफाई वाली माँ पे मौजूद है। वो छोटी बच्ची जिसको अपनी ये मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अपने माँ से, अपने बाप से, अपने परिवार से ये जिद की कि हमको साफ होके जाना है, और रोज वो साफ होके आने लगे। तो हमें ये आदत बचपन ही से डालनी चाहिए, और बचपन से जब हम आदत किसी चीज़ को डालते हैं तो वो आदत सारे लोगों में, और लोगों को भी बताएं, और आदत करने की जो हमारे शिक्षक हैं उनको ये तो बताना ही चाहिए, जो बच्चे के शिक्षक हैं उसको भी बताना चाहिए। हम जानते हैं कि एक साल की उम्र तक हमारा जो जहन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन, ये 75% डेवलप कर जाता है। जिन्होंने एजुकेशन के लिए समय शुरू के तहत बहुत कुछ किए, और आज बड़ी सौभाग्य की बात है नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के इस दहलीज में वो हमारे चीफ गेस्ट बतौर मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे इस अदारे के लिए, ग्रीन फाउंडेशन के लिए, और आप सभी के लिए फख्र की बात है। मैं जनाब लाल रामेश्वर नाथ सहदेव जी से गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों को पहले क्लास 5 के बच्चों को इनाम दें जो आज कॉन्सोलेशन प्राइज है, और इसके बाद अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले क्लास 5 की हमारे गार्जियन कॉन्सोलेशन प्राइज से नवाजेंगे। ये दो बच्चियां क्लास 5 की थी, हमने आज के लिए करी थी रामेश्वर पाटे जी से, आग्रह करूंगा कि आज की कार्यक्रम के बारे में बच्चों के नेशनल पब्लिक स्कूल के सभागार में ग्रीन फाउंडेशन के तत्वाधान में जो आज स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम के सदारत कर रहे हमारे बड़े भाई इकबाल अहमद नयमी जी, मंच पर आती डॉक्टर अंजुम जमाल जी जो हमारे नाम से सदस्य रूप में राज्यसभा राज्य भवन के सदस्य हैं, और विशेषकर आज स्कूल के डायरेक्टर हमारे जिब्रैल अंसारी साहब, मंच पर आती हमारे इटकी पूर्वी की मुखिया मंजू देवी, हमारे पश्चिमी की मुखिया नेत्रा जी, और हमारे इस स्कूल में से पहले के बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कराने वाले, और गांव के बगल के हमारे वीरेंद्र मंदिर मिडिल स्कूल से हेड मास्टर के बतौर रिटायर किए हुए हमारे सरदार साहब, और मंच पर आती हमारे प्रेस के अजय कुमार जी, बबलू जी, और विशेषकर इस कार्यक्रम को विभिन्न स्कूलों में जो है संचालित कर हमारे स्कूल में सफाई के लिए जो है इस बातों को हर जगह घर घर तक जो है दरवाजे तक पहुंचाने वाले हमारे जो है ग्रीन फाउंडेशन के सचिव हमारे साहब हमजे साहब, ये काफ़ी मेहनती हैं और ये काफ़ी जगह कार्यक्रम कराने में इन्होंने जो योगदान दिया है। आज उन नन्हे मुन्हे बच्चे को ऊपर का यह दावा बता रहता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की योजना को हम लोग किस हद तक लागू करा पाते हैं, कितने दूर तक हम सफल हो पाते हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर 2014 में जो है 145वां वर्षगांठ के अवसर पर इसको शुभारंभ किया, और उस दिन इसको घोषणा होने की कि आज महात्मा गांधी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो आज आजादी से जो है अधिक महत्व जो है स्वच्छता को वोट दिया करते थे। हमारा देश आजाद हो ना हो, लेकिन
कि हमारा देश स्वच्छ रहना चाहिए। वो आज हमारे बीच में नहीं है। स्वच्छ और एक तरफ भारत लिखा हुआ है, क्या था वह महात्मा गांधी की आंतरिक आवाज थी, वह उनकी आत्मा से यह बात थी, वर्गा वह सपना था कि हमारा देश स्वच्छ कैसे रह सकता है। इस स्वच्छता को धरातल लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ लिया है और 2014 में हमारे विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न गांवों में इसको धरातल लाने के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व दिया है, उसके तहत काफी बच्चे को शायद मालूम है या नहीं, कुछ अभिभावक है यहाँ पर उनको भी मालूम है कि नहीं, उसके तहत मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इक्की प्रखंड के मुखिया विभिन्न पंचायत के यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने रांची जिला में लगभग 20-22 प्रखंड है, लेकिन उस 22 प्रखंड में अव्वल स्थान लाने वाला हमारा इसी प्रखंड रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन में जो है सभी प्रखंडों को जोड़कर शौचालय निर्माण में सफाई करने में हम जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया ने काफी मदद किए, जिसका परिणाम है कि आज रांची जिला में हमारा इसी प्रखंड अव्वल आ चुका है और आज पूरे दिल्ली तक ये आवाज जा चुकी है कि रांची जिला का इतनी प्रखंड सबसे पहले स्वच्छ अभियान के तहत सफलता प्राप्त किया है। तो आज उस सफलता अभियान को जो है हमको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आज किसकी जिम्मेदारी बनती है, आज हमारे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इन सबों को जो है जिम्मेदारी बनती है कि सफाई अभियान को जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे जनप्रतिनिधियों को ऊपर थोपा और हम सभी लोगों ने मिलकर इसको जो है अपने इतनी प्रखंड की पहचान बनाई है, तो उस पहचान को उस लाभ को रखने के लिए आज बच्चे लोगों का उत्तरदायित्व बनता है। निश्चित रूप से हमारे जिब्राइल साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे इक्की में भी उन्होंने ऐसा स्कूल की स्थापना की है जो हमारे इक्की के लिए एक नाक है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिब्राइल को। और यहाँ जो भी बच्चे लोगों ने यहाँ पर अपना कार्यक्रम रखा निश्चित रूप से वह सराहनीय है और काफी मेहनत करके लोग यहाँ पर प्रोग्राम रखे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा जिन बच्चों के द्वारा कार्यक्रम नहीं हुआ है उसको आप लोगों को धरातल लाने की जरूरत है। आज माता पिता गांव में रहते हैं घर में रहते हैं तो सबको मिलजुल कर सफाई अभियान में जाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी है उसका कर्तव्य है कि यहाँ पर जाके झाड़ू दे, उसका काम बनता है कि सफाई करे, नहीं, सिर्फ सफाई कर्मचारी के भरोसे जो है हम लोग किया उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो सकता। आज हम पूरे भारतवर्ष में 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़ जनता की यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की जो ये आवाज है और हमारे महात्मा गांधी इनकी जो सपना थी इसको साकार करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाई है और 145वां वर्ष हम लोग प्रारंभ किए हैं और 2019 में हम लोग महात्मा गांधी को 150वां वर्ष का हम लोग मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे और उस दिन हम लोग का एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक घर सफाई से जो है पूरा ये हो जाएगा पूरा देश में और हम लोगों को सही सरकार दे सकेंगे। तो इसलिए आज हम लोग यही सोचना है सफाई कर्मचारी के भरोसे हम लोगों ने रहना है। आज बच्चा लोग जो भी आया है उससे हम यही कहेंगे जिब्राइल जी आपको अच्छे शिक्षक मिले हैं, इनके माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर आए हैं, हमारे सजाद साहब भी हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं, ये भी यहाँ पर हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, हमारे महमूद साहब को भी हम देख रहे हैं ये भी काफी मेहनत की है, ये सिर्फ शिक्षक के तरफ नहीं रहते हैं ये खेल प्रेमी भी हैं और आज हम जब मैं छोटा बच्चा था उस समय और इनका जो है ईमानदारी पूर्वक कुशलता पूर्वक ये काम किए हैं ये भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग हमारे गांव में हैं जो अपनी पहचान बनाने में कायम है और इनसे हम लोग का आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है और बच्चे से ही कहेंगे इतने इतने बुजुर्ग और इतने लोग इस काम में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप लोग भी अपने घर में आज से ही संकल्प लेके जाइए कि हम अपने घर में घुसेंगे तो सबसे पहले माँ और पिताजी का तलाश लेंगे और उन लोग बोलेंगे आज हम लोग स्कूल में संकल्प लेकर के आए हैं कि हम आप कोई काम होगा सफाई के साथ यहाँ पर काम होगा, कहीं बंदी करना नहीं रहेगा, शौचालय साफ रहेगा, कभी निश्चित रूप से जो है हमारी भी सुनिश्चित है और हमको कोई नहीं रोक सकता सकता और 2019 में जो है जो हमारी कामयाबी है उसको हम लोग निश्चित रूप से पाएंगे और पाकर रहेंगे। और आज हम यही तरफ से अपना विचार अंत करने से पहले आप सबों के सामने हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले स्वच्छ भारत, उसके बाद स्वस्थ भारत, उसके बाद कुशल भारत, यही संकल्प के साथ मैं अपना विचार अंत करता हूँ। लाल रामेश्वर नाथ सहदेव जी
था वो मत बोला था, वो तो करीब आ रहा है जब आप लोगों की मेहनत का नतीजा आपके सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले कि नतीजा पेश हो, क्लास फोर के कुछ बच्चे उनको कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए हम हाई स्कूल के डायरेक्टर सम्मानित करें। और अपने काम लेकर आज रिजल्ट आपके सामने है।
हमारे सामने गांव की मुखिया हमारी छोटी बहनें हैं, उन बहनों को हमने देखा है कि आज इटकी को, इटकी के प्रखंड को प्रथम स्थान लाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान किया है। सुबह सवेरे भोरे भोरे उठ करके वैसे लोगों को उन्होंने क्या किया है, तमाचा मारने की कोशिश किया, डीसी के साथ और एनजीओ के साथ, यहाँ के प्रतिनिधियों के साथ, जो भोरे भोरे उठ करके पूरा गंदा माहौल करते थे, बैठे हुए रहते थे, उनके सामने बोतल उन्होंने पेश किया, उन्होंने मतलब कुछ सरमाए हुए लोगों को शर्मिंदा भी किया ताकि वो लोग अपनी बुरी नजर से उन्हें कवर कर लें। इस तरीके से उन्होंने मेहनत करके आज सुबह शाम मेहनत करके उन्होंने क्या किया, इनकी प्रखंड को उन्होंने एक मतलब की ODF में अव्वल नंबर एक नंबर सबसे पहले रांची के जो जितने प्रखंड है उस प्रखंड उन्होंने किया, ये इनके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है और हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात की है। अब हमारे सामने पत्रकार ये है, हमारे क्या बोलते हैं वो अजय साहब जो छोटे बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी पत्रकारिता बहुत अच्छी है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ और वो मेहनत के लिए उनसे आ